अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज की वीडियो जो है वो हमारी वो है रमज़ान स्पेशल रेसिपी। मैं आप लोगों को चने की दाल की रेसिपी मैंने रिकॉर्ड की थी, तो मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये जो है मैंने आधा पाव मैंने चने की दाल ली थी, इसको हम भिगो देंगे पानी के अंदर थोड़ी देर के लिए। अच्छा जी, जैसे कि रमज़ान माशाल्लाह से करीब करीब हैं और हम सोचते हैं सहरी में हम क्या बनाएं, क्योंकि सहरी में जो होता है वो सालन टाइप आइटम बिल्कुल नहीं खाया जाता, थोड़ा भुना भुना आइटम अच्छा लगता है। तो ये चने की दाल रेसिपी बनती भी बहुत जल्दी है और सहरी के टाइम पे आप इसको खा भी सकते हैं, क्योंकि ये भुनी भुनी होती है और ये सबको पसंद आती है, शौक़ से खा लेते हैं। तो चलिए जी, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अच्छा जी, तो भिगोने के बाद सबसे पहले मैंने इसको करा है बॉयल, पानी में लेके थोड़ा सा, और इसको तेज़ आँच पर छोड़ा था और इसको ढक दिया था। दाल हो गई हमारी बॉयल, तो मैंने इसको छन्नी के अंदर छान लिया है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, उसी पतीले के अंदर हम लेंगे थोड़ा सा ऑयल और उसके अंदर डालेंगे ये मैंने 1.5 टेबल स्पून जो है वो ज़ीरा है, 3 लौंग है और थोड़ी सी दालचीनी। अब इन तीनों चीज़ों को हम ऑयल में डाल देंगे और इसको 5 मिनट के लिए भूनेंगे, ताकि इसकी जो है वो खुशबू ऑयल के अंदर आ जाए अच्छी सी। अब जो है एक बड़ी लार्ज प्याज लेंगे हम और उसको कर लेंगे चॉप। इसी तरह टमाटर को भी ऐसे ही चॉप कर लेंगे। प्याज जो है वो हम सबसे पहले डालेंगे, ये हमने इसमें डाल दी है प्याज, ये एक बड़ी प्याज मैंने इसमें चॉप करके डाल दी है और इसको हम कर लेंगे लाल। एक तरफ जो मैंने ये छन्नी में निकाल के रखी थी दाल उबली हुई, तो आप ये देख सकते हैं कि ये 95% जो है वो बॉयल हो चुकी है और बाकी जो बची है वो हम जो है वो साथ में मसाले के साथ इसको पानी में डाल के थोड़ी देर बॉयल कर लेंगे। अच्छा जी, ये हो चुकी है हमारी प्याज लाल। इसके अंदर जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने इससे इस्तेमाल किया है, आप जो है वो चॉप लहसुन भी इस्तेमाल करें। चने की दाल जो होती है वो बादी होती है, तो इसमें अदरक लहसुन का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए ताकि इसकी बादी मर जाए। अच्छा जी, तो उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया था, प्याज जो होती है वो उसे थोड़ी सी नरम हो जाती है। उसके बाद इसमें डाल देंगे चॉप टमाटर, मैंने 2 टमाटर इसमें इस्तेमाल किए हैं। ये हम इसको अच्छे से पेस्ट बना लेंगे टमाटर को, और इसमें जो स्पाइसेस ऐड करेंगे वो है लाल मिर्चें, मैंने 1.5 टेबल स्पून लाल मिर्च लिए, हल्दी लिए 1 टेबल स्पून और थोड़ा सा लिया है चिकन पाउडर, से अच्छा टेस्ट आ जाता है। 1 टेबल स्पून फुल मैंने इसमें दही का ऐड किया है, दही फॉर नॉर्मल खटास के लिए। अब जो हमारी बॉयल हुई दाल है वो हम डाल देंगे मसाले के अंदर, ताकि मसाला इसके अंदर दाल के अंदर मिक्स हो जाए। इसको पहले मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से दाल को मसाले के अंदर, फिर हम इसके अंदर डालेंगे पानी। बहुत ज़्यादा पानी नहीं भरना है, थोड़ा सा पानी डालना है ताकि दाल सिर्फ और सिर्फ भीग जाए, और इसको हम ढक देंगे हल्की आंच पे। अब दाल बने और देसी तड़का ना लगे तो मज़ा कैसे आएगा खाने में। तो ये एक अलग पैन में मैंने इसमें लिया है, घी ऐड किया है, इसके साथ मैंने 5-6 कड़ी पत्ता लिए हैं और 2 हरी मिर्चें काट के डाल दी इसके अंदर, और मैंने डाल दिया तो आँच बंद करने के बाद लाल मिर्ची और इसको बघार कर दिया। अच्छा जी, मेरे पास जो है वो हरा धनिया और अदरक उस वक्त नहीं था अवेलेबल, तो मैंने इसमें ऐड नहीं किया। आप लोग इसमें वो भी डालेंगे तो बहुत अच्छी लगेगी। ये देखिए जी, क्या लजीज माशाल्लाह से दाल नज़र आ रही है और बहुत ही मज़े की ये बनी थी, बहुत मज़े की बनी थी माशाल्लाह से, सबको बहुत पसंद आई थी। तो जी, ये थी आज की रमज़ान स्पेशल डिश, या आप सहरी में बनाएं और अपने घर वालों को खिलाएं और इसके साथ रोज़ा रखें तो बहुत ही मज़ा आएगा। दाल बहुत ही मज़े की बनती है ये वाली, और झटपट बन। रमज़ान में कुकिंग के साथ साथ जो है, जो असल हमारा रमज़ान का मकसद है वो है इबादत करना, तो इबादत भी करें बहुत सारी और खाने भी बनाएं अच्छे अच्छे और सबको खिलाएँ और खुश होएं। यहाँ होती हमारी वीडियो एंड। सबको एडवांस रमज़ान मुबारक। अल्लाह हाफिज़।